किसी भी नंबर पर खेलने के लिए हूँ तैयार, सिर्फ मुझे वर्ल्ड कप खेलना है। या दोस्तों यह कहना है टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन का। या दोस्तों बता दें ईशान किशन और केएल राहुल को लेकर बहस छिड़ गई थी बीसीसीआई चयनकर्ताओं के बीच में। क्या है पूरी खबर, इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। ईशान किशन का एक पारी से पूरी तरह से टीम इंडिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन एक ऐसा खिलाड़ी जिन्हें शायद टीम इंडिया के स्क्वाड से भी बाहर कर दिया जाता वर्ल्ड कप 2023 के या फिर एशिया कप 2023 का भी, लेकिन केएल राहुल की इंजरी की वजह से एशिया कप में मौका मिला और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस के वजह से ही उन्हें टीम में भी शामिल कर लिया गया। और बता दें जो कि ईशान किशन नेचुरली वो ओपनिंग करते हैं, लेकिन बता दें कि एशिया कप में पाकिस्तान के जैसे बड़े टीम के खिलाफ उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया और इनसे ज़्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं था। सभी को लग रहा था कि ईशान किशन फेल कर जाएंगे, क्योंकि बता दें कि ईशान किशन बतौर ओपनर अच्छा परफॉर्मेंस किए, लेकिन सभी को गलत साबित कर दिए ईशान किशन। बता दें कि ईशान किशन टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बन गए पाकिस्तान के खिलाफ और टीम इंडिया को बेहतर स्थिति में पहुंचा दिए हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर। ऐसे में अब जो कि टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होने वाला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए, ऐसे में खबर है कि बीसीसीआई में अब दो फाड़ हो चुकी है। या दोस्तों बहुत से जो कि राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें प्लेइंग 11 में रखना है किसी भी हाल में, तो बहुत से ईशान किशन को सपोर्ट कर रहे हैं। या दोस्तों बता दें कि जल्द ही ऐलान होने वाला है, अब लगभग कंफर्म है कि ईशान किशन को तो वर्ल्ड कप के टिकट मिलेगा ही मिलेगा और एशिया कप में अब उन्हें मिडिल ऑर्डर से तो कोई जगह नहीं छीनने वाला है। जिस प्रकार के परफॉर्मेंस किए उनका बिल्कुल जगह बनता है एशिया कप हो या फिर वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए और क्या मिडिल ऑर्डर में वो अच्छा परफॉर्मेंस करे तो मिडिल ऑर्डर में ही खेलना चाहिए या फिर बतौर ओपनर खेलना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।